Gadar 2 has become second highest grossing Hindi film of this year. Today, a success party was conducted for the music of Gadar 2, which was attended by Mithun, who has given music to the movie. Director Anil Sharma, actor Simrat Kaur, Utkarsh Sharma and Udit Narayan were present there as well. They all posed for the paps and also interacted with them. Let's watch them out. मैं अभी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। और सच में जैसे अनिल जी ने कहा कि गदर जो है वो हमारी फिल्म नहीं है, गदर जो है वो पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है, आपकी फिल्म है। मुझे याद है जब फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तो रिलीज़ के पहले ही जिस किस्म का जज्बा लोगों ने गदर के प्रति दिखाया, आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ा कि फिल्म जो है वो इतनी बड़ी हुई है और अभी और भी बड़ी हो रही है। ब्रीफ मेरा यही था, मैंने मिथुन को बोला कि देखो भाई ये गदर 2 है, गदर तो सब जानते ही थे और गदर के करेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ा गया है, तारा सकीना जीते की कहानी को आगे बढ़ाया है और दो गाने मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, मैं निकला और ऊर्जा काले कावा। और मैं निकला ऊर्जा काले कावा ये दोनों गाने उदित जी ही गाएंगे। मिथुन ने बोला हाँ उदित जी ही गाएंगे ये गाने, क्योंकि उसकी सोलफुल आवाज़ हम अच्छी बहुत अच्छी आवाज़ है, मगर उस गाने को सिर्फ उदित ही चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट द सॉन्ग इज उदित जी। और बहुत कुछ हो रहा था कि उदित जी जैसे होते ही है, फिल्म जैसे अनिल शर्मा नहीं है, सनी देओल नहीं है, उदित नारायण नहीं है, फिल्म लाइन में तो ऐसे ही चलता है ना, क्या ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी कहानी ख़त्म हो गई है तो सब शुरू हो गई। इस फिल्म के संगीत के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म उत्तम जी और आनंद बख्शी साहब ने जो सेट किया था, उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है, जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज़ लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं, दिल झूम, चल तेरे इश्क में, चल तेरे इश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गिटी में हम देखने गए थे, मैं जब बड़े बैठे होते तो उनकी कुछ बातें सुनी जाती हैं। कहने के लिए बहुत बातें हैं, उसके लिए मुझे साल लग जाएगा अगर मैं फीलिंग्स बताने लग गई अपनी तो। पर मैं इतना ही कहूँगी कि आई थिंक हर लड़की चाहती है कि उसकी पहली पिक्चर में उसको एक डांस सॉन्ग मिले और कुछ अच्छा मिले। और मेरी तो डेब्यू मूवी में मुझे चल तेरे इश्क जैसा गाना मिल गया। ये ऐसे गाने मैंने देखे थे पाकिजा में, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, उसके बाद में उमराव जान में ऐसा कुछ देखा था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे डेब्यू मूवी में ऐसा गाना मिल गया और उसकी कोरियोग्राफी, उसके लिरिक्स। सो पूरी टीम ऑफ गदर 2, बस मैं इनको सिर्फ पूरी लाइफ में सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ सबको, और मेरे पास कुछ है।